हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं पाइथन। आज हम बात करेंगे कि पाइथन में एक्सेल के डेटा के जरिए हम एक एनिमेटेड चार्ट कैसे बनाएंगे। किस तरह का एनिमेटेड चार्ट, तो आपके ये सामने है। अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो देखिए ये एनिमेटेड चार्ट आता है जो कि एचटीएमएल के साइड पे बन के तैयार हुआ है। इस तरह के एनिमेटेड चार्ट आप तैयार कर सकते हैं पाइथन की मदद से। कैसे होगा, चलिए सबसे पहले हम एक्सेल पे डेटा तैयार करते हैं। तो डेटा हमने सॉर्ट कर रखा है डेट वाइज, सिटी वाइज, ये हमारा सेल्स वाइज। एक छोटा सा डेटा है, डेटा को आप बड़ा भी करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा 15-20 अगस्त का कर देता हूँ यहाँ, और फिर इसको कॉपी करके इसी को पीछे रिपीट कर देता हूँ। आज आपका तो ओरिजिनल डेटा होगा, लेकिन मैं इसी को डमी करके रिपीट कर देता हूँ। ओके, अब इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पाइथन पे, तो वीएस कोड हम ओपन करते हैं। यहाँ पे एक कोड मैंने लिखा हुआ था इसी का, चलो एक नया यहाँ पे बनाते हैं फाइल्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं d2.py। हमने एंटर प्रेस किया और यहां हम लिखेंगे अपना कोड। सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा किसको, प्लॉटली एक्सप्रेस को। अब प्लॉटली एक्सप्रेस आपके सिस्टम में नहीं होगा तो आप उसको पिप करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। पिप कैसे करना है हमने कई सारे वीडियोज में डिस्कस किए हैं। फिर यहाँ पे इंपोर्ट पांडास, क्योंकि एक्सेल फाइल को रीड करना है तो पांडास को तो लेना ही पड़ेगा, पांडास एज ए पीडी। और फिर इसको मुझे HTML के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक और चाहिए, प्लॉटली। जी हाँ, प्लॉटली आपके जो पांडा के जो इसी पाइथन के जो प्रोग्राम है उसको पांडाज में कन्वर्ट करे, इसमें HTML में कन्वर्ट करेगा। अब ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना। तो एक ऐसे वेरिएबल df ले लिया कि df इक्वल टू pd.readExcel, और रीड एक्सेल में एक्सेल फाइल का पाथ चाहिए। तो एक्सेल फाइल के पाथ, ये रहा मेरी एक्सेल फाइल, और मैं फाइल में जाके और राइट क्लिक करके इसकी हम कॉपी पाथ है क्लिप बोर्ड कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार कोड है, कोई बड़ी कोड नहीं है। इससे आपको पता चलेगा कि कितना आसान है पाइथन की कोडिंग हमने ले ली फाइल। अब यहाँ पे मुझे अपने सारे कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिखा सी इक्वल टू df, क्योंकि df पे लोड है ना मेरा एक्सेल फाइल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि केस सेंसिटिव होता है, तो सिटी चाहिए मुझे, तो df इक्वल टू सिटी। सिटी में हमारा छोटा है इसलिए सिटी लिख दिया। देन यहाँ पे करते हैं s इक्वल टू df, और यहाँ हमारा सेल्स है, सेल्स का s बड़ा है, सेल्स यहाँ देख लीजिए सेल्स हुआ। तो ये हमारा सेल्स है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा डबल कीजिए चाहे सिंगल कीजिए, कोटेशन मार्क होना चाहिए। उसके बाद हम d इक्वल टू df, और हम डेट को लेते हैं, किसको लेते हैं डेट। अब डेट को डेट फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इसके लिए हम dt.strf स्टार्फ टाइम, और इसके अंदर हम अपना फॉर्मेट लिखेंगे। सिर्फ एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग होता है ना उस तरह से, तो y डैश परसेंटेज m डैश परसेंटेज डी, हमने यहाँ पे टाइम फॉर्मेट ले ली, ईयर मंथ एंड डे के फॉर्मेट को, तो सारे हेडिंग्स हमने ले लिए। अब हम बात करेंगे चार्ट बनाने का। तो हमने पहले एक्सेल फाइल को रीड किया, देन हमने यहाँ पे अपना कॉलम्स को रीड किया, और फिर हम यहाँ पे अपनी चार्ट जो है बनाए। तो f इक्वल टू या कोई वेरिएबल दे लीजिए, हमने लेते px। px क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जो चार्ट बनाने वाले हैं वो प्लॉटली एक्सप्रेस के थ्रू बनेगा, और प्लॉटली एक्सप्रेस को हमने px पे इंपोर्ट किया है। तो px डॉट हमने लिखा बार, बार में अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें देनी है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ देना है कि भाई यहाँ पे हम देते हैं अपना df जो हमारा फाइल है। अब यहाँ पे कुछ सेट करना हो कि हमारा x जो एक्सेस है वो हमारा c है, और जो y एक्सेस है वो हमारा सेल्स है। उसके बाद हमारा जो कलर है, मतलब जिसके हिसाब से कलर चेंज होगा, वो भी हमारा सिटी है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एनिमेटेड, यहाँ तो चलो चार्ट बन जाएगा, अब एनिमेटेड की बात आती है।
तो एनिमेटेड फ्रेम जो है वो होगा डेट, डी होगा, और एनिमेटेड ग्रुप जो होगा वो हमारा सी होगा, ताकि वो ग्रुप हो जाए, एनिमेटेड ग्रुप इक्वल टू हमारा सी होगा। उसके बाद रेंज, कि आपका जो वाई एक्सिस का जो रेंज है वो कहाँ तक जाए, होता है ना पीछे साइड में होता है कि भाई एक से 10,000, 10, 20,000, 30,000, ऐसे कहाँ तक जाएगा। तो हमने रेंज अंडरस्कोर वाई इक्वल टू, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने बोल दिया 0 से स्टार्ट होगा, और मैं इसको मान लीजिए 800 डिग्री जाता हूँ, या जो भी आप देना चाहते हो अपने डेटा के हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ मेरा चार्ट क्रिएट हो गया। अब उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करना, और एचटीएमएल कन्वर्ट करता है प्लॉटली, और प्लॉटली को मैं कोई एज ए कोई डिफाइन नहीं किया है, तो डायरेक्टली मैं कॉल करूंगा कि प्लॉटली डॉट ऑफलाइन, क्योंकि एचटीएमएल बनेगा ऑफलाइन बनेगा ताकि सारा कोड आ जाएगा प्लॉट। अब यहाँ पे जो चार्ट है आपका जो कि एफ है वो डाल दीजिए, और एचटीएमएल का फाइल नेम क्या होगा वो फाइल नेम दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं DD2 के नाम से डॉट एचटीएमएल बना, ठीक है। यहाँ अब मेरा माइंड ये पूरी तरह से वर्क कर चुका है, अब मुझे यहाँ रन करना है। अभी इसकी exe बना के रन कर ले, नहीं यहाँ पे अभी भी गड़बड़ है क्योंकि गड़बड़ क्यों है, क्योंकि अभी भी हमारा यहाँ पे ये रेड दिख रहा है, px.bar जो है .bar ये रेड लाइन आ रहा है, 1 मिनट, डिले नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कॉमा छूटा हुआ है, हाँ यहाँ कॉमा छूटा हुआ है, यहाँ कॉमा हट गया, तो आप देख लीजिए कि कोई रेड लाइन तो नहीं। और यहाँ पे रन कर, रन किया, थोड़ा सा टाइम लिया, और ये देखिए चार्ट खोल लिया, और ये देखिए एनिमेटेड हो रहा है, और 0 से 800 तक लिया था, 800 तक आया, सिटी वाइज आया, ये आपका ग्रुप बन रहा है, ठीक है। और आप ग्रुप भी यहाँ पे ये भी कर सकते हो अपने हिसाब से, रीसेट कर दीजिएगा, स्टॉप यहाँ पे अगेन प्ले, तो ये अगेन प्ले आपका होगा। यहाँ पे आप होम पे, यहाँ पे होम पे आइए, प्ले कीजिए, क्लिक प्ले हो। अब कंप्लीट पायथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो अब हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसी वीक में हमारा एक बैच मॉर्निंग 6 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे डेमो क्लास का लिंक मिलेगा, फटाफट डेमो क्लास का लिंक फिल कर दीजिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।